लगातार जांच की जा रही कि आखिर इन बच्चियों को जहर किसने दिया। अब खबर शामली से है, जहां करीब दो सप्ताह पूर्व हुई ट्रक लूट की घटना का केराना पुलिस और एसओजी ने पर्दाफाश कर दिया है। इसके साथ ही पुलिस ने मुठभेड़ में 5 लुटेरों को भी गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से लूटा गया ट्रक व भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद हुए हैं। वहीं पुलिस ने लुटेरों को जेल भेजने के साथ ही गिरोह में शामिल बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। आपको बता दें कि केराना बाईपास के निकट कार सवार बदमाशों ने ओवरटेक करते हुए उनसे ट्रक लूट लिया और ड्राइवर को बंधक बनाकर कांधला थाना क्षेत्र में छोड़कर फरार हो गए। इसमें जो लूटा हुआ ट्रक है वो भी बरामद कर लिया गया है। इनके पास से काफ़ी संख्या में अवैध जो असला है वो भी बरामद किया गया है, कारतूस बरामद किए गए हैं। और इनके द्वारा यह भी बताया गया है पूछताछ में कि इनके द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में भी एक डंपर लूटने की घटना कारित की गई है। इनके अन्य आपराधिक इतिहासों की जानकारी की जा रही है। इनसे पूछताछ में एक और तथ्य यह सामने आया है कि इनके द्वारा जनपद भीलवाड़ा जो कि राजस्थान राज्य में है, वहां पर एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान में डकैती डालने की योजना बनाई जा रही थी। इस संबंध में इनके एक सदस्य के द्वारा रेकी भी की जा चुकी थी। मिर्जापुर